दोस्तों नेटफ्लिक्स हमें हर बार कोई ना कोई अच्छी और सरप्राइजिंग सीरीज या मूवी प्रेजेंट करती है, लेकिन दोस्तों नेटफ्लिक्स से भी बहुत बड़ी गलती हो जाती है कभी कभार। कभी कभार नेटफ्लिक्स कुछ ऐसी मूवी रिलीज कर देती है जिसे देखने के बाद आपका सरदर्द चालू हो जाता है। और आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस मूवी के साथ भी कुछ ऐसी ही चीज घटी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ माफिया मामा मूवी के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। मूवी में छोटे मोटे सेक्सुअल सीन्स आपको नजर आने वाले हो सकते हैं, और इसे किसके साथ देखना है और नहीं देखना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो दोस्तों चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़की से जो कि इटली में पैदा होती है लेकिन रहती अमेरिका में है, लेकिन अचानक से ही उनके दादाजी मारे जाते हैं जो कि एक खतरनाक माफिया रहते हैं, और उसी वक्त उनकी पोती को भी बुलाया जाता है उनके क्रियाक्रम के काम के लिए। लेकिन जैसे ही वो औरत अपने दादाजी के क्रियाक्रम को खत्म कर रही होती है, उसे पता चलता है उसके दादाजी ये चाहते हैं कि माफिया की गद्दी वो लड़की संभाले, यानी कि उसकी पोती संभाले। और ये औरत माफिया की गद्दी किस तरह संभालती है ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। मूवी में हल्की फुल्की कॉमेडी आप इंजॉय करने वाले होंगे, और इस मूवी की स्टोरी जिस तरह प्रेजेंट की गई है, इस तरह की स्टोरी शायद आपने लाखों या करोड़ों में देखी होगी, यानी कि इस मूवी में आप नया कुछ भी नहीं देखने वाले होते हैं। मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मूवी में किसी भी तरह का कोई मसाला या फिर किसी भी तरह का कोई थ्रिल आपको नजर नहीं आने वाला होगा। मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सिंपल तरीके से खत्म भी हो जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इस मूवी को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 2.7 स्टार, क्योंकि दोस्तों इस तरह की मूवी मैंने बहुत सारी देखी है पहले ही हॉलीवुड में, और इसकी प्रेजेंटेशन मुझे उतनी भी ज्यादा पसंद नहीं है। इवन इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि इस तरह की स्टोरी शायद आपने लाखों या करोड़ों में देख रखी होगी पहले से ही। मूवी में हल्की फुल्की कॉमेडी जरूर दी गई है, लेकिन ये सारी कॉमेडी आपको बिल्कुल भी हंसाने वाली नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस मूवी को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों अगर आपके पास फालतू समय बहुत ज्यादा है तभी इस मूवी को देखने की कोशिश करिए, अदरवाइज इस मूवी को अगर आप स्किप करते हैं तो ही ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये सिंपल रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।